हूँ श्री सैरम बेटा। एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइज 4.1। तो बेटा इसके दो ही क्वेश्चन तीन किए थे हमने। उससे पहले हम ना कुछ बेसिक्स देखते हैं अपने इसी चैप्टर में। मैंने बोला था आपको, हमने लो अभी आप अपने आप करना, मुझे सेंड करना। किसने मुझे सेंड नहीं किया, तो बेटा अभी मैं ही करवा रही थी। देखो हम करेंगे पॉइंट। देखो फर्स्ट आपका पॉइंट है ना, इट इज़ अ ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट। हम देख रखा कि क्या होता है पॉइंट, छोटा सा डॉट होता है ना। वी कैन नेम ए पॉइंट बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसको हम दे सकते हैं ना, इसे ए हम पॉइंट्स देते हैं ना, पॉइंट के सामने से हम कोई ड्रॉ करते लाइन, तभी भी इसे बी सी डी या कुछ भी दे सकते हो। मतलब कि हम पॉइंट को अल्फ़ाबेटिकली, जो भी हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उनसे हम डिनोट करते हैं। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल जैसे शार्प टिप ऑफ द पेंसिल, आपकी आई लैश आईज में होता है छोटा सा, वो भी आपका आई इसके डॉट की तरफ है। टिप ऑफ कंपास, पॉइंटेड एंड ऑफ नीडल, ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं आपकी, पॉइंट की हैं। ठीक है, डॉट ये देखो राउंड सा होता है डॉट। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। और एग्जांपल आती है आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा लाइन। बेटा हमने ये सब कुछ कर रखा है पहले, आपको सिर्फ मैं जस्ट रिवीजन के लिए ये बता रही हूँ दोबारा। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। ठीक है, आपको जो नई चीज़ होगी वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या आता है। अब लाइन क्या होती है ये देखो, लाइन हमने कोई लाइन का सुनकर आपके माइंड में सीधा क्या आता है कि एक स्ट्रेट लाइन है ना। लाइन लीजिए स्ट्रेट लाइन, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। जब इसका बेटा कोई एंड पॉइंट नहीं होगा तो इसकी लेंथ कहाँ फिक्स होगी। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। ये देखो हम एरो लगा देंगे तो मींस ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। जैसे आप स्कूल में खड़े हो एग्जांपल लाइन लगा कर, है ना। और जब इसको डिनोट करते हैं, ये देखो उस लेटर के ऊपर ना, ए बी के ऊपर लाइन के दोनों तरफ एरो होंगे, वो होती है लाइन। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ, लाइन तो लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट। बेटा सेगमेंट का मीनिंग होता है भाग, लाइन जो है वो इसका कुछ हिस्सा है। अगर मैं स्केल से छोटी सी लाइन ड्रॉ करूँ ना, ये देखो इसके पॉइंट दिए, ये देखो ड्रॉ कर दी, ये हमारी बन गई लाइन। मतलब कि ये फिक्स्ड होती है, इसकी लेंथ क्या होती है फिक्स्ड। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन के नहीं होते, इसके इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। देखो पॉइंट बोला तो हमने उसको नाम भी दिया, एंड पॉइंट ए और बी है ना। इट हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ, हमने स्केल से मापा। अगर मैं कहूँ 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ तो आप बना दोगे। ठीक है, एंड पॉइंट भी है, फिक्स्ड लेंथ भी है। इट कैन बी मेजर्स एंड ड्रॉन यूजिंग रूलर, जैसे रूलर मीन स्केल से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको लिखते ऐसे हैं, ए बी के ऊपर एरो नहीं लगेंगे, एक सिंपल लाइन लगेगी। ठीक है बेटा जी, ये है हमारा लाइन सेगमेंट। अब देख लो फर्क क्या है लाइन और लाइन सेगमेंट में। देन आएगा रे। अब रे आपने देखी हुई, जैसे सन रे कह सकते हैं हम लोग, है ना। इसका इनिशियल पॉइंट तो होता है, मतलब इसका एक वन, जैसे इसमें तो दो एंड पॉइंट हो गए ना, और रे में क्या होता है इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है। जैसे हम कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट होता है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब पता नहीं हमारा आगे ये एक्सटेंड हो भी सकती है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। हम दोनों तरफ नहीं इसको इंक्रीज कर सकते, इसको सिर्फ एक तरफ एरो लगा देंगे, चलती रहेगी। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड मीन इसको एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, और ये किसी भी साइड हो सकती है। ठीक है, अब जैसे ये राइट साइड जा रही है, ठीक है, हो सकता है ये अपवर्ड में आपको मैं ड्रॉ करके दे दूँ, ये अपवर्ड साइड जाएगी। जैसे आप एंगल ड्रॉ करते हो, है ना, उसमें होते ना, एक रे इधर जा रही होती है, एक रे इधर जा रही होती है, ये वही है। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती फिक्स। वो देखो या तो इधर को मुंह होगा या फिर उसका इस साइड होगा मुंह एरो का। एक साइड इसके डॉट होता है क्योंकि वो उसका इनिशियल मीन स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, बाकी एरो होता है। ठीक है, ये देखो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, देखो तीनों में क्या फ़र्क है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ऊपर वाले में कोई नहीं है, और इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, है ना, और एक इसकी तरफ एरो। अब इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऊपर की तरफ कर दें, है तो ये भी रे है। इसको लेकर ना कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। और आपकी बुक में ये सब कुछ दे रखा है। आगे आता बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इंटरसेक्टिंग जब भी नाम आता तो है व्हेन टू लाइंस, बेटा सिर्फ दो लाइंस के बारे में है, व्हेन टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट और कट एट ए पॉइंट कह सकते हो, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखो जहाँ पर कट कर रही है बीच में, जिसे सपोज करो, ये देखो आपकी बुक में भी दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, देखना अपनी बुक में, ठीक है। ये सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की एग्जांपल्स हैं। ये देखो जहाँ पे इसकी भी ऊपर, ये देखो पॉइंट पे कट कर रही हैं। आगे अगर हम ये देखो कॉर्नर पे जा रहे हैं ना, कट हो रहा है जहाँ पे, जब दो लाइंस, सिर्फ दो लाइंस की बात हो रही, 3-4 लाइंस नहीं। ये देखो जहाँ पे भी, और ये देखो ये रोड है, क्रॉसिंग रोड में जैसे हम कहते हैं चौराहा, ठीक है, ये भी क्रॉस कर रहे हैं, ये भी क्या है इंटरसेक्टिंग रोड्स कह सकते हैं इनको, ठीक है। ओके, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन हमारा आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस हमने पहले कर रखा है ना, ऐसी लाइंस
जो कभी मीट ना हो आपस में, और उनके जो बिटवीन का डिस्टेंस होता है ना वो सेम कॉन्स्टेंट होता है, मीन सेम होता है, नेवर चेंज। फॉर एग्जांपल ये है, इनके बीच का डिस्टेंस ना सेम ही होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये आगे जाके मिलेंगे। जैसे हमारी कॉपी की आप ये ले लो, लाइंस ले लो, अब ये देखो स्केल को ले लो, ये तो नहीं कि आगे जाते जाता ये पतला हो जाता है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, आगे जाता भी ये ऐसे ही रहेगा। आगे ये लो सपोज, जैसे कोई विंडो की जो ये इसकी बीच की जो भी ये स्ट्रिप्स हैं सबका डिस्टेंस, ये देखो किसी में भी देख लो आप, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। और रेलवे ट्रैक देखो, इसमें भी सेम है, ठीक है बेटा। अब कुछ और एग्जांपल है ना, आप अपनी तरफ से ये देखो, आपकी बुक में सब कुछ दे रखा, आपने क्या करना है अपनी नोटबुक में ना ये नोट कर लेना। अब ये देखो, अगर हम इसको आगे से पिन पॉइंट करेंगे, ये हमारा रे नहीं होगा, तो आपने नोटबुक में नोट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है बेटा। साई राम।